Good morning, everybody. I hope my voice is audible to all. Meri awaaz sabhi ko aa rahi Am I perfectly audible? Okay, fine. Start करते हैं students. Next question से. तो last class तक हम लोगों ने जो questions देखे थे, उसमें आपको Norton's theorem की बात कर रहा था, और Norton's theorem में ही हमें कुछ डाटा ऐड करना है. Norton's theorem में एक बेसिक क्वेश्चन था. क्वेश्चन लिख लिया आपने. द सर्किट शोन इन फिगर वन, द सर्किट शोन इन फिगर वन इज रिप्लेस्ड बाय, द सर्किट शोन इन फिगर वन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स Norton इक्विवेलेंट. क्या वॉइस प्रॉपर है? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस आई होप सो प्रॉपर होनी चाहिए. ओके मुझे लगता है मेरी वॉइस सभी को क्लियर है. यस सर, थैंक यू. ओके, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे. Norton's theorem का क्वेश्चन है. इस पर टर्म यूज की गई है. मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. द सर्किट शोन इन फिगर वन. थोड़ा जल्दी इसका आंसर देंगे आप लोग. द सर्किट शोन इन फिगर वन, द सर्किट शोन इन फिगर वन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स. सभी लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें. पहला क्वेश्चन है आपका is replaced by is Norton's equivalent, by is Norton's equivalent in figure 2. Norton's equivalent in figure 2. The value of
द वैल्यू ऑफ आई विल बी द वैल्यू ऑफ आई विल बी आई का मान आपको बताना है आई होप स्क्रीन क्लियर होगी आई होप सो स्क्रीन क्लियर है अब ठीक है सर थैंक यू आपको आई का मान बताना है राइट और ये जो सर्किट दिया हुआ था ये सर्किट 50 वोल्ट फिगर फर्स्ट ऐसा था स्टूडेंट्स दिस इज प्लस माइनस 50 वोल्ट दैट इज 50 एंगल 0 वोल्ट और इसके साथ माइनस जे टेन एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे टेन मान का है इसके बाद एक रियल और इमेजिनरी पार्ट है दैट मींस आर और एल का कनेक्शन है आर का मान 5 है This is 5 ohm. Inductive reactance का मान J 5 ohm है. And this is terminal A and B. A और B पर आपको equivalent पता करना है. This is figure first. अब screen clear है students. जिन्होंने भी लिखा है. जान लो भाई screen अभी clear है समय. पहले ऐसा कुछ issue था. अब आई होप सो सब कुछ ठीक है आपको इस फिगर को कन्वर्ट करना है इस फिगर में नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर्मेट में यहां जेड है और यहां से बोला गया करंट आई इन हो रही है इतनी करंट आउट हो रही है एंड दिस इज अगेन टारगेट टर्मिनल के लिए दिस इज फिगर सेकंड राइट ये फिगर फर्स्ट है ये फिगर सेकंड है क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चंस के फोर ऑप्शंस इस तरह से थे ऑप्शन ए था 2.5 एंगल 45 नॉर्टन करंट का क्वेश्चन है ऑप्शन बी था 5 एंगल 90 ऑप्शन सी था 10 एंगल माइनस 90 एंड ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज नथिंग बट 15 एंगल माइनस 45 ऐसे ही फोर ऑप्शंस के मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा है रिप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन में सिंपली यस करेक्ट क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आपका मोटो है देखो ध्यान से ये एक सर्किट है इस सर्किट में टारगेट टर्मिनल पहले से ओपन है एग्जामिनर ने बोला था सर्किट फॉर्मिंग फिगर द सर्किट फॉर्मिंग फिगर अभी तो मंडल बोले दबा देखिए वाइस प्रॉपर है एकदम प्रॉपर है वाइस का कोई इशू नहीं है मैं भी डिवाइस पर हूं ठीक है अब देखो वाइस समझ में नहीं आ रहा क्या वाइस का कोई इशू है क्या स्टूडेंट्स वाइस
होल्ड ऑन, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। वाई सब प्रॉपर है, ठीक है, आई होप करेक्शन हो गया है, वाई सब प्रॉपर है, राइट करेक्ट, सभी का आंसर करेक्ट है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बताना था स्टूडेंट, अभी वाइस परफेक्ट है, अब अननेसेसरी ना लिखें। देखिए यहां पर आपसे बोला गया फिगर वन का आपको एबी टर्मिनल पर इक्विवेलेंट करंट बताना है, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं आप किससे, नॉर्टन से। तो नॉर्टन में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट नॉर्टन में हम पहले एक करंट सोर्स लेते थे, यहां हम एक करंट सोर्स बनाते थे, दैट करंट सोर्स इज कॉल्ड एज ISCRIN। उस करंट सोर्स को हम क्या कहते थे, शॉर्ट सर्किट करंट अथवा नॉर्टन करंट। शॉर्ट सर्किट करंट अथवा नॉर्टन करंट का मान यहां जो जा रहा है आई और वापस जो आ रहा है, क्या आई ही आईएससी है, और इसके बाद ए बी टर्मिनल पर लगाते थे हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में जेडल, राइट। तो इसने एग्जांपल में ये नहीं बताया कि यहां ये आईएससी है, उसने लिखा कि इस आई का मान बताएं, द वैल्यू ऑफ आई। तो आपको पहचानना होगा ये आई नथिंग बट आईएससी के इक्वल है। तो स्टूडेंट सिंपली इस प्रॉब्लम में आपको आईएससी की गणना करनी है। आईएससी वेरी सिंपल है, आईएससी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आईएससी की गणना सभी ने कर ली है। अरशद क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, आंसर इज बी ओनली। अच्छा जेटीएस बता रहे हो, ओके ओके, जेटीएस नहीं पूछा इसने, आई पूछा है, ओके आपने बता दिया, ठीक है ठीक है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन पर केवल आईएससी पूछा है, आई का मान आईएससी के बराबर है, चलिए ठीक है, आंसर सभी का ठीक है। थोड़ा जल्दी से अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जिनका स्टार्टिंग का एसी छूटा हुआ है, जिनको थोड़ा रेक्टेंगुलर पोलर में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, वो अननेसेसरी टेंशन ना लें, एक बार क्वेश्चन को करने के बाद लेक्चर को फिर से देखकर होल्ड करके कन्वर्जन करते हुए क्वेश्चन को ट्राई करें, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, वहां पर एक बार घर पर रूम पर जब आप बैठते हैं तो कैलसी लेकर बैठिए, कन्वर्जन करिए, कहीं कन्वर्जन में दिक्कत आती है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब देखो यहां पर आपने इसका जब इक्विवेलेंट बनाया, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी आईएससी, अगर आपको आईएससी चाहिए स्टूडेंट्स तो आईएससी का मतलब डेफिनेटली ये था। Now see, ISC का मतलब डेफिनेटली ये था कि आप ब्रांच को सॉर्ट करें, अगर आपने ब्रांच को सॉर्ट किया सो दिस करंट इज ISC। अब आपको पता है किसी शॉर्ट सर्किट ब्रांच का तुल्य प्रतिरोध जीरो है और इसके समांतर में पैसिव कंपोनेंट है, तो क्या ये पूरी ब्रांच नेट ब्रांच खत्म हो जाएगी? अगर ये ब्रांच खत्म हो गई तो ये सर्किट इक्विवेलेंट फॉर्म में कुछ ऐसा बनेगा, दिस लुक्स लाइक 50 एंगल जीरो प्लस माइनस 50 एंगल जीरो, इसके बाद अपवर्ड पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर मान बनेगा माइनस का जे 10 ओम, और ये वाली ब्रांच शॉर्ट सर्किट बन जाएगी। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गई स्टूडेंट्स तो इसके बाद दिस टर्मिनल, ये जो ए बी टर्मिनल है ये पूरा शॉर्ट हो गया, एंड दिस लुक्स लाइक दिस,
और यहां पर आपको पता क्या करना था, आईएससी। जस्ट होल्ड ऑन, अगर ये करंट पता करनी है तो आईएससी का मतलब क्या होगा, दिस वोल्टेज अपॉन जेडसी, टोटल का वोल्टेज 50 एंगल 0 डिवाइडेड बाई माइनस जे 10। आप सभी को पता है भाग देने के लिए पोलर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। सभी का आंसर करेक्ट है स्टूडेंट, सभी का करेक्ट है, राइट? दैट इज शशिकांत, अर्षद, रितु, संध्या, अंकित, मुकेश, हेमा, अदिति, ब्रजेश, मंजय, नवीन, महिमा, सभी का करेक्ट है, राइट? कई लोगों ने आंसर लिखे नहीं होंगे, मतलब मेरे को रिप्लाई नहीं किया होगा, सभी ने करेक्ट किया है। 50 एंगल जीरो, जीरो माइनस जे 10 को अगर हम कन्वर्ट करें तो जीरो माइनस जे 10 का मतलब अंडर रूट में जीरो का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 10, राइट? पोलर में चेंज कर रहे हैं और एंगल माइनस में आएगा माइनस जे की वजह से, 10 इनवर्स 10/0, 10/0 का मतलब अनंत, मतलब 90, तो माइनस का 90। आप इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 50/10 का मतलब 5 है, कोण ऊपर जाकर माइनस 90 से क्या हो जाएगा, प्लस 90। तो आंसर इज आईएससी आर आई का मान जो पूछा गया था, दैट इज 5 एंगल +90 है, और दिस आंसर गोज टू बी फॉर बॉम्बे, राइट? आंसर ऑप्शन बी सही था, और मुझे लगता है किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम प्रेटी श्योर दैट दिस आंसर इज एग्जैक्टली क्लियर टू ऑल। नाउ गो फॉर क्वेश्चन सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, नॉर्टन और रेजोनेंस मिक्स है, राइट? मतलब रेजोनेंस के पार्ट पर ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन नॉर्टन थ्योरम की मिक्सिंग की गई है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वेट करूं, अगले क्वेश्चन पर मैं मूव करता हूं, अगले क्वेश्चन पर मैं मूव कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, एंड कल आप लोगों ने स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशन टू ऑल, सभी लोगों ने पावर सिस्टम का टेस्ट बहुत अच्छे से दिया है। कुछ ऑप्शंस आपके पास डार्क, सॉरी थोड़ा हल्के रह गए थे। कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया था मेरे पास, दे आर सेइंग कि सर जो आंसर है वो हल्का प्रिंट है, जो आंसर है पेपर में वो हल्का प्रिंट है, तो ऑटोमेटिक हमें आंसर पता चल रहे थे। और वैसे आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, उन आंसर्स की जगह एग्जैक्ट आंसर्स अपनी मेहनत से किए हैं। पेपर सिंपल था, अच्छा पेपर था, जिसमें मतलब मुझे लगता है कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, तो आप लोगों ने थोड़ा जल्दी परफॉर्म किया था और करना भी चाहिए, तो ठीक थी परफॉर्मेंस सभी की। थोड़ा बेसिक लेवल का टेस्ट था ये, अगला टेस्ट थोड़ा सा इससे एडवांस होगा। 1/1 आपके टेस्ट अब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पेपर दे जरूर स्टूडेंट्स, पेपर देना जरूर है। नंबर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, डजंट मैटर, लेकिन होप मुझे लगता है 25 प्लस लाना बहुत आसान था इसमें, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 25 प्लस हैं। ओके, अगेन क्वेश्चन पर बोला गया, इन द सर्किट शोन इन फिगर, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, इन द सर्किट शोन इन फिगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो दिया है वो ब्रैकेट में लिखा था इन रेडियन पर सेकेंड पर कैलकुलेशन करनी है, एट विच द नॉर्टन इंपीडेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल BB' इज प्योरली रेजिस्टिव इसका मतलब आपसे पूछा क्या गया है, आपको वह आवृत्ति बतानी है। देखिए, दिए गए परिपथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिस आवृत्ति पर ओमेगा का मान बताना है, जिस समय
नॉर्टन इम्पीडेंस मतलब ZTH बोले या ZN बोले, सीन फ्रॉम द टर्मिनल BB डैश, एक तो पहले क्या चाहिए परिपथ का, नॉर्टन इम्पीडेंस चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, प्योरली रजिस्टिव, किस फ्रीक्वेंसी पर प्योरली रजिस्टिव होगा, उस ओमेगा का मान आपसे पूछा गया है, राइट? सर्किट दिया गया था, सर्किट दिया गया था, अनिल आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं, जस्ट अब इसके बाद वही स्टार्ट है, हाँ लिखें, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, आशीष यादव, अच्छा जो बोर्ड पर है अभी समझ में कहां से आएगा, अभी क्वेश्चन तो लिखने दो, दिस इज वन ओम रेजिस्टेंस, इसके बाद 0.5 हेनरी का एक सेल्फ इंडक्टेंस लगा है, एल इज नथिंग बट 0.5 हेनरी और सी का मान 1 फैरेड है, और इस पर बीबी डैश टर्मिनल पर आपसे बोला गया है, क्वेश्चन फिर से सुनो, ये एक सर्किट दिया गया है स्टूडेंट्स, इस सर्किट पर बोला गया है इन द सर्किट शोन इन फिगर, नीचे दिए गए परिपथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान, आपको इस आवृत्ति ओमेगा का मान पता करना है, कब, ध्यान से सुनना, जब नॉर्टन इंपीडेंस हम देखते हैं, तो नॉर्टन इंपीडेंस के लिए टर्मिनल बताए गए हैं बीबी डैश, यहां से नॉर्टन प्रतिबाधा, नॉर्टन प्रतिबाधा ही थेविनिन प्रतिबाधा कहलाती है, ZTH ZN दोनों सेम होते हैं, सीन फ्रॉम द टर्मिनल बीबी डैश, बीबी डैश जो टर्मिनल बने हैं इससे देख रहे हैं नॉर्टन इंपीडेंस, उस समय नॉर्टन इंपीडेंस को प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए, प्योरली रजिस्टिव होने का मतलब, प्योरली रजिस्टिव होने का मतलब परिपथ का व्यवहार सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पर होना चाहिए, तभी तो अनुनाद अकर करेगा, तो इसने एक्चुअल में अनुनाद आवृत्ति पूछी है, टर्मिनल के बाद बी बी डैश लिखा है, आप ए बी लिख लो, बी बी डैश लिखा है स्टूडेंट, राइट, हाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी ओमेगा बराबर रूट 2 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी ओमेगा बराबर 4 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी ओमेगा बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड, ये 4 ऑप्शंस थे, सबसे पहले ZTH सॉल्व करें, सबसे पहले ZTH सॉल्व करें स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बी आ रहा है, ओके लेट मी चेक, जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बी रिप्लाई किया है, पहले समझ जाएं ZTH निकालना है स्टूडेंट्स, डोंट टेक टेंशन, विदाउट टेंशन स्टार्ट करें प्रॉब्लम को, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में प्रॉब्लम को स्टार्ट करें, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो इस परिपथ में सबसे पहले आपको नॉर्टन इंपीडेंस चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें नॉर्टन इंपीडेंस निकालना है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, सबसे पहले ZTH निकालिए, ZTH निकालते समय ZTH या ZN एक ही बात होती है, ZTH निकालते समय परिपथ में सोर्स नहीं होना चाहिए, पहली बात, ZTH निकालते समय परिपथ में सोर्स नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी क्लियर टू ऑल, जब भी आप ZTH या ZN निकालते हैं, नॉर्टन प्रतिबाधा या थेविनिन प्रतिबाधा का मान ज्ञात करते हैं, उस समय परिपथ में कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में
वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। इसका मतलब यहां वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने का मतलब है खत्म करने के लिए, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। जब आपने इसको शॉर्ट किया सो दिस बिकम्स लाइक दिस, राइट। यहां लिखा हुआ था 1 ओम, तो क्वेश्चन हल हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम है इस एल के साथ, एल के साथ क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो एल को पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा, जेडएल। एल को कन्वर्ट करना होगा जेडएल में, इसी तरह सी को कन्वर्ट करना होगा जेडसी में। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जेडसी का मतलब है माइनस जे एक्ससी। संधारित्र पर अगर प्रतिबाधा पूछी जाए, क्योंकि इसकी यूनिट है 1 फैरेड, फैरेड के साथ गणना नहीं होती, गणना ओम के साथ होती है। तो आप इस फैरेड को ओम में परिवर्तित करेंगे, मतलब मेरा यहां पर यह कहना है एक्सी को हम 1/ωc भी लिख सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं माइनस का जे अपॉन ओमेगा सी। और यहां अगर मैं बात करूं तो इसको हम जेडएल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, जेडएल का मतलब होता है जे एक्सएल, जे एक्सएल का मतलब है जे ओमेगा एल। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। अगर ये बात क्लियर है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर मुझे दे दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको नॉर्टन इंपीडेंस पहले पता करना है। सबसे पहले क्या पता करना है, नॉर्टन इंपीडेंस। नॉर्टन इंपीडेंस का मतलब आपको पता करना है ZTH अथवा ZN, थेवेनिन इंपीडेंस अथवा नॉर्टन इंपीडेंस आपको पता करना है, बहुत आराम से रुककर, राइट। इसको पता करने के लिए मैंने ZL का मान j ओमेगा l लिख लिया, ZC का मान माइनस जे अपॉन ओमेगा सी लिख लिया। देखो C का मान 1 फैरेड था, तो माइनस जे अपॉन ओमेगा इंटू 1 का मतलब माइनस जे बाई ओमेगा। ऐसे ही L का मान 0.5 था, तो जे ओमेगा गुणे 0.5 का मतलब 1/2, तो जे ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। आई होप इतनी बात मेरी सभी समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स आराम से वेट करते हुए टाइम लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हो सकती है, इस समय एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है, बट मुझे लगता है स्क्रीन प्रॉपरली क्लियर है और लाइव क्लास में ही रहो स्टूडेंट्स। हाँ रितु, आंसर बदल गया क्या, अभी आंसर क्या दिया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी चेंज होंगे सबके आंसर। देखो अच्छा, कुछ भी नहीं दिया था, ओके। ठीक है, अब आंसर दे रहे हो आप लोग, चलो। तो इस सर्किट को मैं रिप्लेस करके, बिल्कुल इत्मीनान से स्टूडेंट, घबराना नहीं। क्या मैं इसको रब कर दूं अब? जस्ट मैंने ZC और ZL का मान लिखा है, ZC बराबर माइनस जे एक्ससी माइनस जे इंटू 1/ωc, ओमेगा पता नहीं है वही पता करना है, और C का मान कितना था क्वेश्चन में, 1 फैरेड, तो माइनस जे बाई ओमेगा। ऐसे ही ZL का मतलब जे एक्सएल या जे ओमेगा एल, एल का मतलब कितना है 0.5, मतलब 1/2, तो दिस वैल्यू शुड बी जे ओमेगा बाई 2। अब आप कह सकते हैं ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर पर मुझे लगता है सभी ने कंप्लीट कर लिया इसको, बिल्कुल सही मैनर था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी इसमें, इत्मीनान से क्वेश्चन किया जा सकता था। प्रॉब्लम में सबसे पहले ये समझ में आया, बहुत सिंपल बिट है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल बिट है ये, और लोग लेकिन रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, केवल 4 से 5 रिप्लाई आए मेरे पास। आई थिंक कि मैक्सिमम स्टूडेंट से हो गया होगा क्वेश्चन। यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, यहां जेडएल का मान जो हल होकर आया है, वोल्टेज सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया, जेडएल का मान जो हल होकर आया है दैट इज जे ओमेगा बाई 2, इसी तरह जेडसी का मान जो आया है दैट इज माइनस जे बाई ओमेगा, और ये टर्मिनल बी है और ये बी डैश है,
इससे क्यों घबरा रहे हो स्टूडेंट कि बी बी डैश क्या लिख दिया? हो सकता है ए बी लिखा होता, बी बी डैश, सी सी डैश, ए डैश, कुछ भी लिख दे, उससे क्या दिक्कत है? दो से तीन स्टूडेंट ने पूछा है सर बी बी डैश क्या है, टारगेट टर्मिनल। अब देखिए, अगर अब आप नॉर्टन इक्विवेलेंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें बहुत इत्मीनान से, जेड टी एच आर जेड एन, तो जेड टी एच के मान की गणना करते समय अथवा जेड एन के मान की गणना करते समय सबसे पहले आप अपनी तरफ से टारगेट टर्मिनल पर करंट फ्लो कराते हैं, दैट इज करंट आई। सोर्स क्या कोई भी है? नहीं है, खत्म कर चुके हैं सोर्स को। तो जेड टी एच निकालते समय सोर्स नहीं होने चाहिए। जो करंट यहां से इन होगी वो इस नोड पर दो भागों में ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करने के बाद ये करंट इस नोड पर फिर मिल जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? समांतर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद अगेन फॉर्मेट बनेगा। मतलब ये समझ में आया, धारा यहां से दो भागों में बटी है और बटकर मर्ज हुई है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब मुझे पता चला, मैं एक बार फिर से परिपथ बना देता हूं, इन दोनों का पैरेलल समायोजन इस तरह से बनेगा, दैट इज कॉल्ड जेड टी। थोड़ा सा वेट करें जिनका आ गया है, जेड टी, और फिर इसके बाद एक संधारित्र लगा है जिस पर प्रतिबाधा है माइनस जे बाई ओमेगा। तो आपको पता चल रहा होगा अब जितनी करंट बी से अंदर जाएगी उतनी बी डैश से बाहर आएगी। तो ये दोनों अब कैसे हैं सीरीज में। तो क्या मैं कह सकता हूं बिना देर किए हुए कि जेड टी एच का मान, मैं अब लिख सकता हूं कि जेड टी एच का मान, दिस जेड टी एच वैल्यू आर जेड एन वैल्यू, जिनको डाउट होता है दोनों बातें सेम है, दिस प्लस दिस, तो हम लिख सकते हैं जेड पी प्लस माइनस का जे बाई ओमेगा। और जेड पी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जेड पी का मतलब है इन दोनों का पैरेलल। मतलब पैरेलल का फार्मूला था जेड वन गुणे जेड टू बटे में जेड वन प्लस जेड टू, दिस इज प्लस माइनस, मतलब माइनस का जे बाई ओमेगा। जेड वन का मान कितना है? एक। इत्मीनान से देखिए, टाइम लीजिए, एक, गुणे जेड टू का मान जे ओमेगा बाई टू है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़। जेड वन का मान है वन प्लस जे ओमेगा बाई टू, फिर है माइनस का जे बाई ओमेगा। बहुत इत्मीनान से सुनो, इसको अगर हल करने की कोशिश करें तो ऊपर जे ओमेगा बटे दो आ जाएगा, जे ओमेगा बाई टू का गुणा एक से, नीचे एक और दो का लघुत्तम समापवर्त दो आ जाएगा, और एक की वजह से ऊपर क्या आएगा? दो, प्लस दो की वजह से यहां क्या आएगा? जे ओमेगा। मुझे लगता है ये स्टेप क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स, कि आपने वन प्लस जे ओमेगा बाई टू को जोड़ा है एलसीएम लेकर, तो टू प्लस जे ओमेगा, ये वाला दो और ये वाला दो कट सकते हैं, इतना भाग देना आप जानते हैं, माइनस का जे बाई ओमेगा। तो आई होप सो इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि अपने पास जे ओमेगा अपॉन टू प्लस जे ओमेगा माइनस जे बाई ओमेगा आ गया, क्या? जेड टी एच आर जेड एन। अब एग्जामिनर ने क्या बोला था, एग्जामिनर की लैंग्वेज सुनो, उसने कहा नॉर्टन इंपीडेंस प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, प्योरली रजिस्टिव वैल्यू कब आती है? प्योरली रजिस्टिव किसी ब्रांच का इंपीडेंस प्योरली रजिस्टिव कब आएगा? प्योरली रजिस्टिव आने का मतलब परिपथ अनुनाद में है, राइट? अनुनाद की घटना का मतलब नेट इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो। तो पहले इस प्रतिबाधा को आप रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करेंगे, आप इस प्रतिबाधा को रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करेंगे। यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ओनली। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रेजोनेंस में इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि तब तक नॉर्टन थ्योरम नहीं पढ़ाई थी। अब नॉर्टन पढ़ा चुका हूं, नॉर्टन इंपीडेंस आप समझ चुके हैं, फिर इसमें रेजोनेंस की मिक्सिंग है। तो अब रेजोनेंस के पार्ट को इसमें हमने कवर किया। तो क्वेश्चन इस तरह से अब सॉल्व होगा, विवेक मेरी बात आपको क्लियर होगी, ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकता है आपसे आसानी से, राइट? हाँ, पहले आपने जब तक नॉर्टन नहीं पढ़ा था तब तक ये क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं था। देखिए,
यहां पर बिल्कुल इत्मीनान से सुने, जेडन का मान, जेडन और जेटीएच एक ही बात है, जेडन का मान आ रहा है स्टूडेंट जे ओमेगा, सॉरी दिस इज जे ओमेगा अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा और इसके बाद माइनस का जे वाई ओमेगा। आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं फॉर जेडन टू बी प्योरली रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव सर्किट नेट इमेजनरी पार्ट, नेट काल्पनिक, नेट इमेजनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, नेट इमेजनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। सर्किट का नेट इमेजनरी पार्ट किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर। तो अगर इसकी प्रतिबाधा को रियल और इमेजनरी में देखें तो क्या अभी दिख रहा है? नहीं, क्यों? जे ओमेगा के नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्यों ना हम हर का परमेयीकरण कर दें। अगर मैं यहां कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का गुणा कर दूं तो देखो जेडन बराबर, जेडन बराबर जे ओमेगा अपॉन टू प्लस जे ओमेगा आएगा, और परमेयीकरण करने का मतलब बहुत ध्यान से सुनना, टू प्लस जे ओमेगा जो नीचे है उसका अंश और हर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाकर गुणा करने पर, सो आई कैन से टू माइनस जे ओमेगा अपॉन में टू माइनस जे ओमेगा, राइट। और ये वाला इमेजनरी पार्ट क्या था? माइनस का जे बाई ओमेगा। हम क्या कर रहे हैं? जेड को रियल और इमेजनरी में अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा जे ओमेगा का गुणा इसमें हो जाएगा टू माइनस जे ओमेगा में नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड पर, जितने लोगों ने आंसर रूट टू दिया है कहां गलती करते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए का स्क्वायर होगा, आपने दो का स्क्वायर नहीं लिखा होगा। ध्यान से देखो, जितने लोगों ने रूट टू आंसर दिया है आप लोगों ने दो का स्क्वायर छोड़ दिया होगा, स्टूडेंट दो लिखा होगा, आई नो वेरी वेल। फिर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर मतलब जे स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस का जे अपॉन ओमेगा। यहां पर पता चला जे ओमेगा का जब दो में गुणा करोगे तो जे ओमेगा टू अपॉन टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर, फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एक बार इमेजनरी पार्ट जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा का गुणा, जे का स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर मीन्स चार, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का जे अपॉन ओमेगा। अब आप देख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर रियल है, सभी का हर वाला मान रियल है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाली संख्या इमेजनरी है, ये वाला डाटा इमेजनरी है, बाकी ये वाला पार्ट रियल है। अब आप इमेजनरी और रियल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? घबराएं बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, इट नीड सम टाइम एंड प्रैक्टिस, थोड़ा सा नॉर्टन थ्योरम में टाइम और प्रैक्टिस का गेम है, बिल्कुल सेम एज इट इज। देखो आंसर बदल के आने लगे, जितने लोगों ने पहले इसका आंसर रूट टू दिया था उनको अब क्लियर हो रहा है। हाँ, मैक्सम ने टू भी दिया था बट कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर रूट टू भी दिया था, अब मानोगे कहां स्टूडेंट्स, अब आप मानने वाले नहीं हो कि आपने आंसर गलत बताया था। चलिए अब यहां पर ये लाइन मैं हटा सकता हूं, अब मुझे लगता है यहां तक क्लियर है सबको, होप यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? एक बार मेंशन कर दें अब तो दिस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं मैक्सिमम पावर स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसके जस्ट बाद में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर अगर हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करें, और ये सब धीमे धीमे प्रैक्टिस की के बाद
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करोगे। देखो आपने बोला ZN का मान रियल कौन सा है, दिस वन, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रियल पार्ट। इमेजिनरी में ये दोनों रेड कलर वाली टर्म है, तो J कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस का J, अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर माइनस का 1 बाई ओमेगा, माइनस का 1 बाई ओमेगा। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा इस Z के मान पर, ये जो ZN मान है, ZN के मान पर दिस, ठीक है सुन, आपने शॉर्ट फॉर्मूला कोई बनाया था क्या? अनंत दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन है? अब देखो ZN पर वैल्यू, जब आप यहां वैल्यू देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाता है, यहां से नेट इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? एग्जामिनर ने बोला था Z शुड बी प्योरली रजिस्टिव, तो नेट इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब नेट इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो होने का मतलब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बटे ओमेगा बराबर 0। अब यहां ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये जो वैल्यू बन रही है ऐसा ही बन रहा था, एक मिनट जे ओमेगा 2 है, सॉरी दिस इज जे ओमेगा 2 है स्टूडेंट्स, जे ओमेगा 2 है ये, तो दिस इज 2 ओमेगा, सॉरी दिस इज 2 ओमेगा, तो इसका मतलब 2 ओमेगा अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर में अगर ओमेगा स्क्वायर को घटाएं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड है, राइट, दिस इज 2 रेडियन पर सेकंड। एक खास बात ध्यान रखें, हाँ यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब इसके बाद जैसे आपने आपसे मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ एक मिनट, किसका था ये, अनंत ये बताओ 2 हेनरी से कहां से कर दिया आपने, 2 ओमेगा 2 डब्ल्यू होगा सर कॉमन वाले में, हाँ वो कर दिया, करेक्ट कर दिया, सॉरी ये एक्चुअली में 2 लिखा था जे ओमेगा 2, तो उसको जे ओमेगा 2 है, दैट इज जे 2 ओमेगा, ठीक है। इसको नहीं, एक डाउट था कहां गया, अब से एक आपको एक्चुअल अप्रोच लगानी होगी, या तो आप अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मूले याद करें, हाँ आनंद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्या ये स्टैंडर्ड सर्किट है, एल सी और आर कैसे लगे हुए हैं, क्या ये स्टैंडर्ड सर्किट है, स्टैंडर्ड सर्किट के फॉर्मूले आपको याद है, अनस्टैंडर्ड सर्किट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, अनस्टैंडर्ड सर्किट में गेट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन था जिसमें टाइम मिलता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, हाँ बट मेथड क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा स्पीड आप जब बनाओगे, ये तो मैंने लिखते समय टाइम लिया है, जब आप स्पीड बनाओगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, सीधे ZN लिखोगे, सीधे इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे, क्लियर है सभी को, अब से एक मेरी बात क्लियर है, अब यहां कहां टैंक सर्किट बन गया, दिमाग कहां है स्टूडेंट, टैंक सर्किट में एल और सी पैरेलल में होते हैं, ये ब्रांच ओपन है, अब से एक गुप्ता दिमाग बिल्कुल ब्लैंक करके चल रहे हो आप, ये टैंक सर्किट कहां कब पढ़ाया है आपको, कुछ भी कहीं से उठाकर कहीं पटक दो नहीं, टैंक सर्किट में 3 सर्किट पढ़ाए थे, ये कहां से था टैंक सर्किट,
तीन केस पढ़ाए थे, अब ये अनस्टैंडर्ड केस है। इस सर्किट में टैंक सर्किट का फॉर्मेशन कहां हो गया बताओ जरा मुझे, एल और सी को पैरेलल में होना चाहिए, कहां है ये पैरेलल में? दिस इज एल, हाँ दिस इज सी, कहां ये पैरेलल में है? कहां से शॉर्टकट लगा देंगे टैंक सर्किट का? अब से एक रिप्लाई करो, अब शांत मत बैठो। आनंद क्या हुआ, मैदान साफ है अब? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम होती है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सर कुछ जादू हो जाए, पहले एक्चुअल मेथड। हाँ 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 समझ गए सर, अरे बिल्कुल समझोगे, दोनों समझोगे, समझाने के लिए तो मैं हूं, हाँ मत घबराओ। चलो टैंक सर्किट के मैंने स्टूडेंट्स आपको पैरेलल सर्किट जब पढ़ाया था तो वहां पर तीन स्टैंडर्ड केस बताए थे, क्या ये स्टैंडर्ड केस है? नहीं, तब आपको एक्चुअल मेथड ही लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है या तो ऐसे क्वेश्चन को कराया ना जाए, ना कराओ तो आप भेज देते हो फोटो खींच के, बोले सर ये कराया नहीं, करा दो तो बोले सर क्यों कराया, इसकी ये एग्जाम में आता है क्या इतना बड़ा? लिखते समय सोचो स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हो इसलिए करा रहा हूं मैं, अगर स्टैंडर्ड सर्किट होता तब कोई इशू नहीं था। हाँ 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 ठीक है, चलिए अब मैं स्टूडेंट्स मूव करता हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, नॉर्टन्स पर। हाँ ये क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा था और उस पर लिखा था क्या सर ये क्वेश्चन रेजोनेंस पर नहीं करवाया जाएगा, हाँ ऐसे लिखते हो आप लोग, तो वहां मुझे केवल और केवल स्टूडेंट्स में रिप्लाई नहीं कर सकता उस समय, मैं इतना ही बोलता हूँ समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा, तो जब क्वेश्चन आता है तो जवाब मिल जाता है। दिस इज नॉर्टन थ्योरम प्लस रेजोनेंस, आई होप सो यहां तक क्लियर है। अब बहुत अटेंटिव हो जाना है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसके लिए हमने एसी थ्योरम पढ़ा है, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये बहुत आसानी से आप करोगे, घबराओ नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, हर चैप्टर में टाइम इज नीडेड, हर चैप्टर में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है स्टूडेंट्स। देखिए अब यहां पर इसके बाद मैं आपसे अगर ये बोलूं कि प्रॉब्लम में मैक्सिमम पावर का केस अगर बनाया जाए, सपोज देयर इज ए प्रॉब्लम वेयर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्वेश्चन, जहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात की जा रही है, यहां चार केस बनेंगे स्टूडेंट्स। और एक बात और स्टूडेंट्स, नोट्स का रिवीजन कम से कम रखें, और मैं बार बार कह रहा हूं कई स्टूडेंट्स जो ये बोलते हो आप लोग कि सर आज का लेक्चर कल कर लेंगे, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो मतलब लेक्चर शुरुआत होने के आधे घंटे बाद एंट्री करते हो, अदिति आप पहले एडमिट के लिए रिक्वेस्ट भेजो, यहां से एडमिट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग जो स्टूडेंट्स ये काम करते हो कि एक लेक्चर छोड़ दिया और फिर सोचते हो दूसरे में प्रॉपर कनेक्टिविटी आ जाए, इट कांट बी पॉसिबल, लेक्चर छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप लेक्चर छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, लेक्चर अगर आप छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। दर आ रहा है, ओके हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो इटसेल्फ करेक्ट हो जाएगा। लेंस पर चलो विजिबल है। अब देखो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग स्टार्टिंग करें तो मैक्सिमम पावर के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहां यूज होती है। तो याद रखें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पावर के लिए वहां वैलिड है जहां एक्टिव पावर बनती है। फर्स्ट गिव द हेडिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन एसी एमपीटी।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन एसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विजिबल है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन एसी। ठीक है कमलेश। अब देखो देखो ये मैंने जो बात आपको बोली है कि लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में करो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जैसे ही कोई भी लेक्चर अगर मिस करोगे, मेरी बात समझना, होता क्या है आप ये सोचते हैं कि हम इवनिंग पे रिकॉर्डेड लेक्चर कर लेंगे या नेक्स्ट डे कर लेंगे। स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूएशन में इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप वो लेक्चर कर पाओ, और इनडायरेक्टली वो लेक्चर छूट जाएगा, या आपको टाइम मिलेगा भी तो आप सोचोगे कि इसको कल कर लेंगे, और वो कल कभी आने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ टाइम निकलता जाएगा और सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। उस समय एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है तो वो आगे की क्लासेस में आपको दिक्कत देगा। तो कोशिश करिए एट ए टाइम क्लास कवर करने की। जिन स्टूडेंट्स को आदत हो जाती है रिकॉर्डेड देखने की, दे आर थिंकिंग कि कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, फिर प्रॉब्लम आती है। कोशिश करिए लाइव क्लास जरूर करिए, कहीं अगर दिक्कत है तो उसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखिए, अदरवाइज बेटर टू ऑप्ट लाइव क्लास ओनली, राइट। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा, जो लोग क्लास छोड़े होंगे उनको क्लियर होगी मेरी बात। चलो फर्स्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पहले इस लाइन को समझें। There are three types of power in AC circuits. कौन कौन सी थ्री टाइप्स ऑफ पावर है? फर्स्ट हम बोल सकते हैं ऑपरेंट पावर, इसी को क्या कहते हैं टोटल पावर या कॉम्प्लेक्स पावर। ऑपरेंट पावर और टोटल पावर। सेकंड हम बोल सकते हैं एक्टिव पावर का ही दूसरा नाम क्या था? ट्रू पावर। इसी का अगला नाम क्या था? रियल पावर। इसी का अगला नाम क्या था? एवरेज पावर। इसी का अगला नाम क्या था? एक्चुअल पावर। ऑल नेम्स आर सेम। ठीक है, इसका मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट। पहली पावर कौन सी थी? ऑपरेंट, दिस इज फर्स्ट। ये सेकेंड पावर है, दैट इज एक्टिव, हम कह सकते हैं एक्टिव पावर या ट्रू पावर या रियल पावर या एवरेज पावर या एक्चुअल पावर। ठीक है, क्या हुआ, ब्लर हो रहा है सर? ओके, अब थर्ड एक पावर थी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव और इमेजिनरी पावर। एक तीसरा पार्ट था इसमें, ये सेकंड था, वो फर्स्ट था, और एक थर्ड, दैट इज रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पावर। रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पावर। रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पावर। अब यहां तक में अगर बात की जाए तो टोटल थ्री टाइप्स ऑफ पावर होती हैं, जिसमें पहली पावर थी ऑपरेंट आर टोटल पावर, और जो रिएक्टिव पावर या इमेजिनरी पावर है ये कन्वर्टेबल पावर नहीं। कन्वर्टेबल पावर केवल कौन सी है? एक्टिव पावर। जो पावर कन्वर्ट हो सकती है, यूटिलाइज हो सकती है, वो कौन सी पावर है? केवल एक्टिव पावर। सो पहली बार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई हैव टू रिटेन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूं, ये दिमाग में आपके होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम is valid only with active power only, because this power is only, because this power is only convertible are utilizable,
दिस पावर इज ऑनली कन्वर्टेबल और यूटिलाइजेबल. देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज वैलिड ओनली विद एक्टिव पावर. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक्टिव पावर के साथ वैलिड है क्योंकि एक्टिव पावर ही केवल एक ऐसी पावर है जो कन्वर्ट हो सकती है, यूटिलाइज हो सकती है, जिसका हम बिल पेड करते हैं. एनर्जी मीटर में जिसका हम बिल पेड करते हैं वो कौन सी पावर है? एक्टिव. जिस पावर का हम बिल पेड करते हैं वो कौन सी पावर है? एक्टिव पावर. अब अगर आपसे बोला जाए कि आप जब भी बात करेंगे, आप जब भी बात करेंगे, क्या मित्र ब्लर हो रहा है? क्या कोई इश्यू आ रहा है क्या स्टूडेंट वीडियो में? कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है, ऐसा है क्या? कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा है नो, दैट मींस ऐसा कोई इश्यू नहीं है. थोड़ा बहुत बीच में हुआ होगा स्टूडेंट्स, चलिए मैनेजेबल है. अब सुनो, जैसे आपके पास टोटल पावर की मैं बात करूं, एक्टिव पावर को ऑन होने के लिए, एक्टिव पावर को वर्क करने के लिए, जैसे फैन, तो फैन में जब तक इमेजिनरी पावर नहीं बनेगी, रिएक्टिव पावर नहीं बनेगी, तब तक इनिशियल टॉर्क नहीं मिलेगा. और एक बार इनिशियल टॉर्क मिल गया तो फैन मूव करने लगेगा. सो दैट्स व्हाई रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर को वर्क कराने के लिए उसके साथ आ रही है. और इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या कहलाता है? अपरेंट आर टोटल पावर. तो टोटल आर अपरेंट पावर एक्टिव प्लस रिएक्टिव का पार्ट है. लेकिन जो पावर एक्चुअल में यूटिलाइजेबल है, जिससे आप कुछ यूजफुल कंपोनेंट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्टिव पावर. एक्टिव पावर ही यूटिलाइजेबल पावर है, कन्वर्टेबल पावर है, और इसी पावर के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वैलिड होती है. मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम केवल और केवल एक्टिव कंपोनेंट के लिए वैलिड है. अब मान लीजिए आपसे बोला जाए इन ए लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं, अब ये बात दिमाग में रखनी है, केवल किसके लिए वैलिड है? ओनली एंड ओनली एक्टिव पावर, केवल और केवल एक्टिव पावर, क्योंकि स्टूडेंट रिएक्टिव पावर एक्चुअल पावर नहीं है. दूसरी बात, ऑपरेंट पावर टोटल पावर है, जबकि जिसको आप यूज कर रहे हो वो पावर कौन सी है? दैट इज एक्टिव. तो एक्टिव पावर पर ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वैलिड है. अब मैं अगर स्टेटमेंट वाइज बोलूं तो मैं बोल सकता हूं, फॉर बेसिक स्टेटमेंट मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, चार केस बनेंगे स्टूडेंट्स और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना तय है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना मस्ट कंडीशन है. मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यहां से क्वेश्चन बनना मस्ट है स्टूडेंट्स. एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्वेश्चन ना मिले. या तो डीसी पर मिलेगा, नहीं तो एसी पर मिलेगा. डीसी में मैंने तीन केस पढ़ाए थे और बोला था एसी में चार केस और पढ़ेंगे, चार में से दो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं. पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट वाइज बात करूं तो मैं बोल सकता हूं किसी लीनियर, इन ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, इन ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू लोड व्हेन लोड इज कंप्लीटली वेरिएबल ओनली व्हेन इट्स
ओनली व्हेन, सॉरी, ZL इज इक्वल टू ZS स्टार, ZL का मान किसके बराबर हो जाए, ZS स्टार, और ZS स्टार का मतलब है RS प्लस JXS का स्टार। स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार मींस एस्ट्रिक साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब सभी जानते हैं, आरएस प्लस जे एक्सएस का स्टार का मतलब है आरएस और बीच में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आरएस। 3 प्लस जे 4 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस जे 4। तो यहां आप लिख सकते हैं आरएस माइनस जे एक्सएस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी आप मैक्सिमम पावर तभी एसी सर्किट में लोड पर ट्रांसफर होगी जब लोड का इंपीडेंस सोर्स के इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, लोड का इंपीडेंस सोर्स के इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, लोड का इंपीडेंस सोर्स के इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। सोर्स इंपीडेंस मान लीजिए रियल प्लस इमेजिनरी है, इस रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, अगर बीच में चिन्ह प्लस है तो इधर चिन्ह क्या आएगा, माइनस, राइट। इस कंडीशन पर ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बनेगी, मतलब लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, राइट। तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी लोड पर, क्या हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है स्टूडेंट, क्या स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है क्या, एक्चुअलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक्चुअलिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन पर, चलते समय अपने आप रेक्टिफाई हो रहा है और बीच बीच में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऑटो जूम पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करेंगे स्टूडेंट, अब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, मुझे सब कुछ प्रॉपर लग रहा है, कभी कभी हो रहा है, चलो देखते हैं इसको, देखेंगे, अभी तो सब ठीक है। चलिए, हाँ सर आज बहुत प्रॉब्लम है, नेट इशू, ओके ठीक है ठीक है। ममता आपका क्या डाउट है, डाउट लिखो ना आप, ठीक है चलिए। अब यहां से इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ध्यान से समझना, मैक्सिमम पावर, ये स्टेटमेंट लिख लिया सबने, स्टेटमेंट का मतलब है किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में कोई लोड, किस लोड के किस मान पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो लोड पर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब लोड का मान सोर्स इंपीडेंस का, सोर्स इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाए, ओनली व्हेन लोड इंपीडेंस वैल्यू बिकम्स सोर्स इंपीडेंस कॉन्जेक्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू, राइट। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है व्हेन ZL बराबर ZS स्टार, अभी प्रूफ करूंगा, अभी प्रूफ करूंगा, वहां से कंप्लीट बात निकल कर आएगी। अभी बस इतना बोला है कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होती है जब ZL का मान ZS स्टार के बराबर हो जाए। अभी आपको नहीं पता ZL क्या है, ZS क्या है, ZS का मतलब है सोर्स इंपीडेंस, ZL का मतलब है लोड इंपीडेंस, ध्यान से सुनेंगे, इस अगले स्टेप के बाद आपको सारी बातें क्लियर होंगी, अप टू नेक्स्ट स्टेप तक का वेट करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए स्टेटमेंट, सुबह मैंने ये बोला था स्टेटमेंट, अगर आप लोगों ने नहीं सुना एक बार फिर से सुन लें। पहली बात तो
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम केवल वही वैलिड है जहां एक्टिव पावर के केस में, मतलब अपरेंट जो टोटल पावर होती है वोल्ट एम्पियर, उस पर वैलिड नहीं है। कभी भी ये रिएक्टिव पावर पर वैलिड नहीं है, ये केवल किस पर वैलिड है? एक्टिव पावर पर। और एक्टिव पावर का मतलब कौन सी पावर? जिस पावर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये बोला, किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पर आप अगर चाहते हैं कि लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो लोड का मान सोर्स इंपीडेंस के मान के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। इसको अभी मैं प्रूफ करूंगा, ये तब समझ में आएगा, बिना डेरिवेशन के नहीं समझ पाओगे। तो पहले डेरिवेशन वाली बात आप देख लेते हैं, राइट? डेरिवेशन वाली बात आज क्या लिख रहे हो? आज नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है सर। स्टूडेंट्स, हो सकता है पानी या आपके साइड कुछ बारिश हो, ऐसा हो सकता है, अदरवाइज यहां ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, आज मौसम साफ है। हो सकता है उधर कहीं बारिश हो या कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि तो कई लोग बोल रहे हो, तो मैं मान रहा हूं इस बात को, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन पर चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले सर्किट को अंडरस्टैंड करें। सर्किट को अंडरस्टैंड करने का मतलब आपको ये बात पहले क्लियर होगी कि आपको एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क दिया होगा। स्टूडेंट्स, इत्मीनान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले आपको एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क दिया होगा। मैक्सिमम पावर जिन्होंने डीसी में नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं। देखो, परिपथ इस तरह से कुछ होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। परिपथ पर सबसे पहले एक लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क है, जिसके साथ कोई एक ऐसी ब्रांच होगी जिस पर आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट? जिस पर आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, आप चाहेंगे उसका मान नहीं पता होगा, बी क्लियर? इस ब्रांच पर लोड का मान नहीं पता। अब आप क्या कर रहे हो, यहां जिस भी ब्रांच पर आप चाहते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो, उसके लिए उस ब्रांच के इंपीडेंस का मान आप सेलेक्ट करोगे। तो आप ZL का मान अभी नहीं जानते, ये कोई टर्मिनल AB है, आपको नहीं पता कि लोड का मान कितना है। आप जब लैब में जाओगे तो डिफरेंट कंपोनेंट रखे होंगे, उनसे आप इस ZL के मान को ओरिएंट करोगे, आप ZL का मान खुद बनाओगे कि ZL का मान क्या होना चाहिए, राइट? ZL का मान क्या होना चाहिए ये आप खुद देखोगे, वीडियो रुक गया है, आज कुछ ज्यादा इशू है। अब करेक्ट है क्या? आई होप सो, वीडियो प्रॉपर है। शिवम इज सेइंग कि सब कुछ प्रॉपर है सर, प्रॉपर नहीं है। मैं स्क्रीन जो देख रहा हूं स्टूडेंट, मुझको प्रॉपर दिख रहा है, शायद अभी प्रॉपर हुआ होगा, अपने आप सही हो जा रहा है। सही नहीं हो रहा सर, बीच में ब्लर हो रहा है। चलो ठीक है, फिर इसको कल मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट? कमलेश सिंह सही हो गया, अब आप लोग ठीक ठीक रिप्लाई करो स्टूडेंट। अगर सही हो गया है तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर कल स्टार्ट करते हैं इसको। ओके ठीक है,
यहाँ किसी का नेट नहीं चल रहा है, ओके ठीक है, चलिए क्लास कल करेंगे, मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को कल स्टार्ट करूंगा प्रॉपर वे में, ठीक है, हाँ ठीक है, बार बार ब्लर हो रहा है, चलिए ठीक है, कल क्लास होगी, कल आपकी क्लास फिर से होगी मैक्सिमम पावर से 10:30 पर, आज के लिए सॉरी स्टूडेंट्स, आज के लिए सॉरी आपका, क्योंकि मैं टाइम नहीं ले पा रहा हूं, सर आप जब स्क्रीन पर हैं तो सब ठीक है, वो जूम का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, वो ऑटो स्क्रीनिंग ले रहा है, सेटिंग पर कुछ चेंजिंग हो गई है तो मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स मैं करवा लूंगा इसको, ठीक है कल स्टार्ट करेंगे फिर, ओके गाइस थैंक यू, कल मैं इसको स्टार्ट करूंगा, बाकी क्लासेज आपकी रहेंगी जैसी थी वैसी रहेंगी, मतलब आफ्टरनून में शायद एसी का रिवीजन चल रहा था, मतलब दिन का छूटा हुआ था, और इवनिंग पर कम्युनिकेशन है, यस यस ऑटो स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑटो जूम में करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू गाइस, यू कैन ऑल लीव द मीटिंग, आप सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं, बाय बाय टेक केयर, कल मुलाकात होगी।